नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं हाउ ब्रिटिश स्टार्टेड, इट्स अ ब्रिटिश जर्नी एंड ब्रिटिश बायोग्राफी। ओके, सो विदाउट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज हम इनके बारे में देखने वाले हैं कि कैसे इतने सक्सेसफुल होते हैं और इतने वर्ल्ड वाइड फेमस होते हैं। हाँ, और कैसे इनकी फर्स्ट सॉन्ग हिट हुई थी और कैसे ये अपने दोस्त बने थे, सारी चीज पता चलेगी। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाला है, अंत तक आप बने रहें और हमारे साथ आप भी एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे BTS बैंड के बारे में। अगर आपने थंबनेल देखकर वीडियो पे क्लिक किया है तो आप उन्हें जरूर जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप उन्हें नहीं जानते तो मैं बता दूं, BTS एक 7 मेंबर्स का साउथ कोरियन बैंड है जिसे बिग हिट एंटरटेनमेंट द्वारा फॉर्म किया गया था। BTS को बैंग टेन बॉयज के नाम से भी जाना जाता है। तो आज ये साउथ कोरियन बैंड इतना पॉपुलर हो रहा है कि जिन्हें कोरियन पॉप म्यूजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता वो लोग भी इन्हें सुन रहे हैं और इस बैंड को काफी पसंद कर रहे हैं। ये 7 मेंबर बैंड जिसे टाइम मैगजीन ने इंटरनेट पर 25 सबसे इम्प्रेसिव लोगों में से एक का नाम दिया है, एक समय में कुछ भी नहीं था। ये 7 मेंबर्स बैंड को 2010 से 2011 में बिग हिट एंटरटेनमेंट द्वारा ऑडिशंस के माध्यम से फॉर्म किया गया और 2012 में इसे फाइनलाइज किया गया। BTS ने अपना म्यूजिकल डेब्यू 2013 में अपने स्कूल ट्रिलॉजी सीरीज के पहले सिंगल एल्बम टू कूल फॉर स्कूल के साथ किया। ये ग्रुप बहुत ही जल्दी साउथ कोरिया में काफी पॉपुलर बैंड बन गया और काफी अवार्ड्स जीतने लगा। तो इस वीडियो में हम इस ग्रुप के बारे में ही बात करेंगे और इस ग्रुप के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कैसे स्टार्ट हुआ ये बैंड, इस बैंड के मेंबर्स के बारे में डिटेल्स और इस बैंड की सक्सेस स्टोरी। तो हाय गाइस, वेलकम टू RK बायोग्राफी चैनल, बहुत बहुत स्वागत है आपका RK बायोग्राफी चैनल में। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस बैंड के टैलेंटेड टीम मेंबर्स के बारे में। RM किम नाम जून ऑल्सो नोन एज RM ऑल्सो नोन एज रैप मॉन्स्टर 23 साल का है। ये BTS का फर्स्ट मेंबर था और इसे बैंड के लीडर के रूप में भी जाना जाता है। RM जो बैंड के रैपर्स में से एक है, उसने पहली बार एपिक हाई जो एक साउथ कोरियन ऑल्टरनेटिव हिप हॉप ग्रुप है, उन्हें सुनकर 6 क्लास में रैप करना शुरू किया था। 2007 में जब वो मिडिल स्कूल में था तब उसने अपना नाम रंज रांडा रख लिया था और इसी नाम से उसने रैप करना शुरू किया था, जिसके कारण अब वो एक रैप क्रू डायनम हिप में चला गया था। इस ग्रुप में पहले से ही कुछ फेमस लोग थे जैसे सुप्रीम बॉय, किडो, I-11, आयरन और एटसेट्रा। इसके बाद RM ने सोलो रैपर बनने का सोचा और इसके बाद RM ने सोलो रैपर के रूप में बहुत गाने गाना शुरू कर दिया, जब तक कि उन्हें ऑडिशन के लिए नहीं बुलाया गया। एक हिप हॉप एजेंसी में उनकी मुलाकात अनटचेबल स्लीपी से हुई जो ऑडिशन में जज थी। वो RM की रैपिंग से इम्प्रेस हुई और उसने RM को बैंग सी ह्यू से मिलवाया। बैंग सी ह्यू एक साउथ कोरियन लिरिकिस्ट, कंपोजर, प्रोड्यूसर और एक रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव है। इसके अलावा वो बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी जो एक साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी है उसके फाउंडर और CEO भी हैं। बिग हिट एंटरटेनमेंट के फाउंडर ने ही RM को ऑडिशन के लिए इनवाइट किया, वो भी RM की रैपिंग से बहुत खुश हुए और इस तरह 2010 में RM बना BTS का पहला मेंबर। जंगकुक जिसका पूरा नाम जियोन जंगकुक है, 20 साल का है। ये उस समय सिर्फ 15 साल का था जब इसने BTS में डेब्यूट किया था। ऑल्सो ये इस ग्रुप का सबसे यंग मेंबर है। जंगकुक को BTS के फाउंडर ने कुछ इस तरह ढूंढा, जंगकुक अपने होम टाउन बुसान में सुपरस्टार के जो एक साउथ कोरियन टेलीविजन टैलेंट शो था जैसे हमारे यहाँ होता है इंडियन आइडल, उसके 3rd सीजन में ऑडिशन के लिए गया, लेकिन ऑडिशन राउंड में उसे बाहर कर दिया गया। लेकिन शो ने उन्हें कम से कम 7 एजेंसियों द्वारा स्काउट करने के लिए इनफ एक्सपोजर दे दिया था। उन 7 एजेंसियों में JYP एंटरटेनमेंट,
एफएमसी एंटरटेनमेंट और स्टारशिप एंटरटेनमेंट शामिल थी। हालांकि लास्ट में जंगकुक ने एक ट्रेनी बनने के लिए बिग हिट एंटरटेनमेंट को चुना। जंगकुक ने कहा कि उन्होंने अन्य एजेंसी के मुकाबले बिग हिट एंटरटेनमेंट को इसलिए चुना क्योंकि उसमें आरएम थे जिन्होंने जंगकुक को अपनी रैपिंग से इम्प्रेस कर लिया था, जिससे जंगकुक उनके साथ ट्रेनिंग और उन्हीं के साथ काम करना चाहते थे। वी जिसका पूरा नाम किम टोए योंग है, 21 साल का है। ये डाएगू जो साउथ कोरिया में एक सिटी है वहीं रहा करता था। ये किसानों का बेटा था और सपने थे इसके एक म्यूजिशियन बनने के। म्यूजिशियन बनने के सपने के साथ वी ने अपने पिता की रेकमेंडेशन पे सैक्सोफोन बजाना शुरू किया। इसके तुरंत बाद वी डाएगो में बिग हिट एंटरटेनमेंट के ऑडिशन के लिए एक दोस्त के साथ गया। वी खुद ऑडिशन देने के इरादे से नहीं गया था, उसका दोस्त ऑडिशन देने जा रहा था। वी तो बस दोस्त का सपोर्ट करने के लिए वहां गया था, लेकिन बिग हिट एंटरटेनमेंट के एक टीम मेंबर ने वी को देखा और उसे ऑडिशन के लिए एनकरेज्ड किया। अपने पिता से परमिशन लेने के बाद वी ने मौके पर ही ऑडिशन दे दिया और अगले ही दिन वो सेलेक्ट भी हो गया। बहुत बड़ी बात थी उनके लिए क्योंकि जहाँ वो रहा करते थे वो एक बहुत छोटी सी जगह थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक किसान का बेटा इतने बड़े बैंड में सेलेक्ट हो गया था। आज भी जब वहाँ के लोग वी को टीवी, यूट्यूब या कहीं देखते हैं तो गर्व महसूस करते हैं। ऑल्सो डाएगू से वो एकमात्र व्यक्ति बना जो कोई इतने बड़े काम के लिए सेलेक्ट किया गया था। वी अब BTS का ही एक मेंबर है और अब वो बैंड के लिए सब वोकल गाता है। इसके अलावा वी आर्ट और फोटोग्राफी का बहुत बड़ा फैन है और वी हाल ही में कोरियन ड्रामा हरंग में भी एक्टिंग कर रहा है। हरंग एक साउथ कोरियन टेलीविजन सीरीज है। सुगा का रियल नेम मिन युंगी है और वो 24 साल का है। सुगा ने हाई स्कूल के टाइम से रैपिंग शुरू की थी। उसने अपना नाम ग्लोस रख लिया था और इसी नाम के साथ उसने रैप करना शुरू किया था। सुगा को एक रैपर और प्रोड्यूसर दोनों के रूप में खुद का नाम बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने अपने होम टाउन डाएगू में बैंड डी टाउन की तरह लोकल आर्टिस्ट के लिए बीट्स के प्रोड्यूसिंग और कंपोजिंग के लिए जाना जाता था। उस दिनों पर सुगा ने कुछ पॉपुलर और वेल नोन आर्टिस्ट के लिए भी ट्रैक प्रोड्यूस करना शुरू किया। सुगा ने बिग हिट एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिशन तब दिया जब उन्होंने कंपनी की रैप कॉन्टेस्ट हिट इट के लिए फ्लायर देखा। सुगा ये कॉन्टेस्ट जीत तो नहीं पाया लेकिन उसने सेकंड पोजीशन हासिल की जो इसके लिए इनफ थी। बिग हिट एंटरटेनमेंट ने उसे साइन किया एज अ प्रोड्यूसर और एज अ ट्रेनी। हालांकि सुगा का मन तो बस एक प्रोड्यूसर बनने का था, लेकिन सुगा 2010 में BTS में शामिल हुआ और बैंड का मेन रैपर बन गया। सुगा ने एक बार कहीं मजाक में कहा था कि बिग हिट एंटरटेनमेंट के फाउंडर ने उन्हें BTS मेंबर बना दिया। सुगा को पियानो बजाना, सॉन्ग लिखना और प्रोड्यूस करने का काफी शौक है। सुगा ने पिछले साल एक सोलो मिक्स टेप अगस्त डी भी रिलीज की थी। जिन का पूरा नाम किम सियो जिन है। जिन की एक 26 साल है। ये BTS के चौथे मेंबर थे जिनको ओरिजिनली SM एंटरटेनमेंट द्वारा स्काउट किया गया था। जिनको शुरुआत में लगा था कि ये ऑफर एक घोटाला फ्रॉड है, जिसके कारण जिन ने शुरुआत में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। कॉलेज के एक स्टूडेंट के रूप में जिन बिग हिट एंटरटेनमेंट द्वारा ढूंढा गया। जिन एक बस से कहीं जा रहा था जहां उन्हें ऑडिशन के लिए मनाया गया। जिन ने एक एक्टर बनने के लिए ऑडिशन दिया था। हालांकि बिग हिट एंटरटेनमेंट का प्लान तो कुछ और था। बिग हिट एंटरटेनमेंट ने उसे मनाया, उसे कन्वेंस करके BTS के लिए ट्रेनी बना लिया और अब जिन बैंड के लिए सब वोकल्स गाता है। जिन भी BTS का काफी पुराना मेंबर है। जिनको खाना बनाने का काफी ज्यादा शौक है और कुकिंग के अलावा जिनको गिटार बजाने का भी काफी शौक है। जिनके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिनको जोक्स मारने नहीं आते,
जिनको किंग्स ऑफ डैड जोक्स भी कहा जाता है, जिनने अपने विंग्स सोलो ट्रैक को प्रोड्यूस भी किया है जिसका नाम अवेक है। जिमिन, जिमिन जिसका पूरा नाम पार्क जिमिन है, 21 साल का है और ये ग्रुप में सबसे लास्ट में ज्वाइन हुआ था। जिमिन बुसान के हाई स्कूल ऑफ आर्ट्स में एक स्टूडेंट था। इसके अलावा जिमिन डांस भी सीखा करता था। एक डांस टीचर जिमिन के टैलेंट से काफी इम्प्रेस हुए और उसने जिमिन को बिग हिट एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिशन देने को कहा। इसके बाद जिमिन ने अपने होम टाउन बुसान में ही ऑडिशन दिया। जिमिन को सियोल ले जाया गया जहां वो ट्रेनी बन गया। उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। क्योंकि जिमिन बैंड में सबसे लास्ट में ज्वाइन हुआ इसलिए उसकी ट्रेनिंग काफी कम पीरियड के लिए ही चली। 2013 में जिमिन ने बाकी टीम मेंबर्स के साथ डेब्यू किया। जिमिन की बात करें तो वो काफी केयरिंग पर्सन है सबको लेकर। जे होप का पूरा नाम जंग हो सियोक है। जे होप की उम्र 24 साल है। बीटीएस में ज्वाइन होने से पहले जे होप एक डांसर के रूप में जाना जाता था। जे होप ने JYP एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिशन दिया था लेकिन इससे पहले ही जे होप अपने होम टाउन ग्वांगजो में डांस क्रियू न्यूरोन से जुड़ा हुआ था। इसी क्रियू के साथ उसने JYP एंटरटेनमेंट में ऑडिशन दिया लेकिन वो कुछ ही राउंड के लिए टिक पाया। उसके बाद JYP ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जिसके कारण जे होप को बिग हिट एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिशन देना पड़ा। जे होप के डांस स्किल और रिदम सेंस को देखने के बाद बिग हिट एंटरटेनमेंट को जे होप में रैपर्स वाली क्वालिटी सीखी इसलिए बिग हिट एंटरटेनमेंट ने उसे एज अ ट्रेनी साइन कर लिया। हालांकि BTS टीम मेंबर के रूप में जे होप की शुरुआत तब तक नहीं हुई जब तक वो एक ट्रेनी था। जे होप बैंड के साथ रहा, उसने काफी कुछ सीखा और उसके बाद वो RM और सुगा के साथ BTS के 3 रैपर्स में से एक बन गया। जे होप ने ये साबित करके दिखाया कि एक डांसर सिर्फ डांस नहीं बल्कि रैप भी कर सकता है। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया BTS बैंड के टैलेंटेड टीम मेंबर्स के बारे में। सो मैं इतने दिनों से काफी एक्साइटेड थी BTS के बारे में जानने के लिए। सो आज हम जान भी गए भाई, हम या ऑफकोर्स हम दोनों जान गए भाई बहन दोनों कि BTS की शुरुआत कैसे हुई थी और कब से हुई थी कैसे। 7 मुझे पता ही क्या लगा था भाई, मुझे लगा था कि ये 7 जो लोग हैं ये बचपन के दोस्त होंगे। क्या मुझे लगा कि ये लोग चाइल्डहुड फ्रेंड होंगे। ये मिसल लग रही है, हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवी नहीं होती। हाँ। मतलब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सबको इकट्ठा किया जाता है। हाँ, फिर एक मिशन को अंजाम दिया जाता है। राइट राइट। तो अगर बात की जाए BTS को बनाने में इन लोगों का हाथ नहीं है। BTS को बनाने में मेन हाथ है बिग एंटरटेनमेंट। बिग एंटरटेनमेंट मतलब सातों को बुलाया उन्होंने। सातों लोग अलग अलग, मतलब कोई फ्रेंड्स नहीं था, किसी को कोई नहीं जानता था। और शरणी से इतना फेमस यार 7, ये काफी एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा ही लगती है ना। काफी मतलब लक की बात कर सकते हो लेकिन काफी मेहनत इन्होंने की है। जिनके जैसे तो बहुत सारे बैंड्स होंगे ना बट ये इतने फेमस इनमें काफी टैलेंटेड भी तो है। टैलेंट भी बहुत ज्यादा है। ऑफकोर्स टैलेंट की मतलब आजकल डिमांड टैलेंट ही अदर होती है। ऊपर से बात की जाए तो सब में अलग अलग टैलेंट है। मतलब किसी किसी में 2-3 टैलेंट है। किसी किसी में रैप डांस और ये पियानो बजाना, क्या बात है। राइटिंग प्रोड्यूसिंग, क्या बात है, बहुत कुछ। और एक तो मुझे जो फार्मर के मतलब रहते हैं। वाह यार, दैट्स रियली अमेजिंग। दैट्स रियली 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 अमेजिंग। इतना सक्सेसफुल इंसान बनना एक बहुत ज्यादा ही बड़ी अचीवमेंट। और ऑफ कोर्स मतलब वो उनके जो शहर के लोग हैं काफी करते होंगे, काफी प्राउड फील करते होंगे बिकॉज इतने मिलियन बिलियंस में व्यू रहते हैं उनको, है ना। फास्टेस्ट के मामले में, लाइक्स के मामले में, हर चीज के मामले, मतलब म्यूजिक की बात की जाए तो उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत ही मतलब हमने आज जाना इनके बारे में बहुत कुछ और आज से पहले हम दोनों को, और वीडियो काफी अमेजिंग थी। मतलब इसमें हर एक चीज बताया उन्होंने। या आज से पहले मेरे को इतना कुछ नहीं पता था, हम दोनों को इतना कुछ नहीं पता था। चलो मुझे लगता था कि BTS का जो लीडर है वो है जंगकुक, लेकिन ये है RP मॉन्स्टर। सबसे पहला मेंबर रैप मॉन्स्टर, सबसे पहला मेंबर यही है और मेन लीडर यही है BTS का। सो यार हमने तो इस वीडियो से बहुत कुछ जाना BTS के बारे में और हमें बहुत ही अच्छा लगा इतना इनके बारे में जानकर। आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा। सो तब तक के लिए आप ख्याल रखें और हमारा भी लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को और शेयर कीजिए जितना हो सके ताकि जो
बहुत सारे लोग अभी नहीं भी जानते होंगे, उनको भी पता चले कि आखिर BTS क्या है और कैसे मिले हैं। सो तब तक के लिए नमस्ते।